आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वही आज का भारत हर वो कदम भी उठा रहा है जिससे प्रोजेक्ट में देरी ना हो। बदलाव के लिए परिश्रम ही एकमात्र विकल्प होता है। इस सच्चाई को साबित करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कई सारे ठप हुए प्रोजेक्ट्स को संजीवनी दी है। उन्हीं कुछ प्रोजेक्ट्स में से एक है अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावा सेवा अटल सेतु। अटल सेतु की लंबाई 21.8 किलोमीटर इतनी है। इस महामार्ग पर दो तरफ तीन तीन मार्गिकाएं और एक आपातकालीन मार्गिका है। इस सेतु का 16.5 किलोमीटर का मार्ग समुद्री सतह से ऊपर है तो 5.5 किलोमीटर की उन्नत मार्गिका है। अटल सेतु का कुल बजट 17,800 करोड़ से अधिक है और ये पूरे भारतवर्ष का सबसे लंबा सागरी सेतु है। इस अटल सेतु की शुरुआत शिवडी से होती है और शिवाजी नगर से होकर चिरले गांव में इसकी सीमा समाप्त होती है। इन तीनों जगहों से निकलने वाले तीन इंटरचेंजेस भी हैं, जिसकी वजह से मुंबई से रायगढ़, नई मुंबई का हवाई अड्डा, न्हावा सेवा बंदर और मुंबई पुणे द्रुतगति मार्ग, इनके बीच का फासला कम होगा। सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शून्य पर्यावरण हानि के विजन के तहत सागरी जीवन आहत न हो, ये भी सुनिश्चित किया गया है। इस सेतु के कारण यात्रा का अनुभव सुखद, जलद और ईंधन समय की बेहद बचत होती है। मानो ये प्रोजेक्ट महायुति के सर्वांगीण विकास पर्व का एक तरह से प्रमाण है। सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और लीडरशिप के तहत अटल सेतु का निर्माण किया गया है। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, इनके मार्गदर्शन से सेतु का काम सफल हुआ है। और भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे जुझारू नेता का नाम इस सेतु को दिया जाना अपने आप में ऊंचा स्तर सुनिश्चित करने वाली बात है।